सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। देखो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, हमेशा मैं एक मकसद के साथ वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो को बनाने का मकसद सीधा साधा सिंपल सा चीज यही है कि जो हम एग्जामिनेशन दे के आते हैं और जो रिव्यूज हम कलेक्ट करते हैं उन पे कभी ना कभी हम कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं। और वे बैक आई थिंक ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 10-15 दिन ही हुआ होगा, मैंने ईएसआई से यूडीसी एग्जामिनेशन को लेके एक कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था और हुबहू वैसे ही हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल पे विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एज ए प्रूफ। और चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ईएसआई से यूडीसी 2022 रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज ऑफिशियली क्या कट ऑफ गया है। आप मैं खास तौर पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो 170 के ऊपर छुआ है ना। और मैंने आप सभी को बोला था और क्या बोला था मैं उसको भी प्ले कर देता हूँ। ये वाला सबसे पहला वीडियो है, मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मार्क्स फंस रही है और आपको लगता है कि आपने 70 से 80 के बीच ही अटेम्प्ट किया है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। 80 के करीबन अगर आपने छुआ है तो फिर यस यू आर डन। सो एनीवेयर बिटवीन 160 टू 165 विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन। बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का तो मेरा मानना है 155 प्लस और एससी का 140 या 145 और एसटी का 125 प्लस। तो कहीं ना कहीं ये एक अनुमानित है लेकिन और आप ये जो वीडियो है आप ये जो मार्क्स है इसको देख लीजिए आप। देखो मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूं, मैं व्हाई एम आई स्पीकिंग ऑल दिस, बिकॉज मेरा कहना ये है दोस्तों कि जब हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं तो फिर एक अनुमानित हमको पता चल जाता है। मोर देन दिस किसी एक टीचर को पता नहीं चलता है, जो स्टूडेंट जो है जो एग्जामिनेशन दे के आया है उसको बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाता है कि उसका एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी खैर मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा और मैंने आपको डेट के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन दिया था, वो भी सच है, इट्स ऑल लॉजिकल। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे पास कुछ खबर था इन ऑल दैट था, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों कि जिनका ईएसआई से हो गया है, मेरा मुझे तो डर इस बात का है कि जनरल अवेयरनेस आपने किस तरीके से तैयारी किया है। अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है आई थिंक प्रीटी लेट, काफी लेट हो चुका है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर लेट हो भी गया है नो इश्यूज, आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और देखो यार जिनका नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं है कि रोना गिड़गिड़ाना एंड ऑल दैट, सीधा सीधा तैयारी करो आरबीआई का। फिर लोग बोलेंगे कि सर आरबीआई का होगा नहीं होगा उस पर क्यों डिस्कशन करें, इट्स अप टू यू। लोग मैं आप सभी को बताते जा रहा हूं, लोग पढ़ते जा रहे हैं और जो सुन रहा है उसको अच्छा लगता है। और एनीवेज मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो एक चीज क्या होता है कि आरबीआई अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो इसका ना कंप्यूटर थोड़ा देख लो यार, कंप्यूटर थोड़ा देख लेना और जनरल अवेयरनेस बिल्कुल देख लेना। और ये जो जनरल अवेयरनेस है दिसंबर मंथ से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। एनीवेज मैं गाइड ऐसे ही करते रहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग फॉलो बिल्कुल करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार देते आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपना क्षेत्र बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।